हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो होने वाला है आप सभी यूपी के जितने भी जीएनएम के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके यूपी में नवंबर में 2022 से 23 सेशन का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बता दिया था कि जब इसका शेड्यूल आया था कि कब एग्ज़ाम होंगे, कब फॉर्म भराएंगे, कब एडमिट कराएंगे, कब इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, टोटल चीज़ें पहले ही इसका जो है पब्लिश कर दिया गया है। मैंने आप लोगों को बता भी दिया। तो बहुत लोग यूपी वाले कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या सिलेबस समाप्त हो पाएगा, क्या सिलेबस समाप्त हो पाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि नवंबर के मिड में एग्ज़ाम थ्योरिकल शुरू है। तो मैं उनको बता दूं, उन लोगों को जो लोग ये सोचते हैं कि क्या सिलेबस समाप्त हो पाएगा, हो पाएगा। तो माय डियर, आप लोगों को पता है कि यूपी में सभी स्टेट से थोड़ा जल्दी जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। वहाँ पे जो सेशन है काफ़ी एग्जैक्ट टाइम पर चलता है और एकदम पहले से सब चीज़ फिक्स होता है। वहाँ पे कोई जो है डेट घट भर नहीं होता है और बहुत अच्छी भी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। बट जो दूसरे स्टेट है, चाहे बिहार हो, एमपी हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, दूसरे मैक्सिमम जो स्टेट है वहाँ पे जो है एग्ज़ाम का जो है फिक्स नहीं होता है कि इतना जल्दी जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी में जो अभी एग्ज़ाम नवंबर में डेट दिया गया है वह 21 से 22 सेशन का जो है हो चुका है पहले ही। यह 22 से 23 का है, ठीक है, 22 से 23 का है, जो कि नवंबर 2023 में होने वाला है और दिसंबर लास्ट में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन वहीं पे बात करें तो जो दूसरे स्टेट है, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो यहाँ पे अभी रिजल्ट ही अटका है 2021 से 22 का। तो एग्ज़ाम होने की संभावना कहाँ से है 22 से 23 वाले का। फिर भी मैं बता दूं कि अगर आप लोग पढ़ने वाले हैं, चाहते हैं कि क्या मैं सिलेबस समाप्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बता दूं डियर, यहाँ पे मैं कोई झूठ नहीं बोलता हूँ। संभव नहीं है कि आपके नवंबर एग्ज़ाम होने तक जो है पूरे के पूरे कंप्लीट सिलेबस हम समाप्त कर दें, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मैंने मई में जो है जून से मैंने सिलेबस पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर, यानी कुल 5 से 6 महीना हो रहा है। और आप लोगों को पता है कि 5 से 6 महीना में फर्स्ट ईयर में जीएनएम में 4 सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट है और थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट है। तो थर्ड ईयर का तो समाप्त मेरा होने ही वाला है। रही बात फर्स्ट सेकेंड में, तो फर्स्ट सेकेंड का जो है बहुत लंबा जो है उसका पोर्शन जो है पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो समाप्त होना थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्ट लग रहा है। बट एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, आप सभी जो भी यूपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपके लगभग लगभग 50 से 60% मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन आएंगे, और बाकी जो कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे उसके लिए आपको जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ 21 से 22 के लिए वो पढ़ना पड़ेगा। यानी सीधा कहें तो आप लोग अगर चाहते हैं कि यहाँ से अच्छे से तैयारी हो जाए, तो अभी तक जो मैं पढ़ा दिया हूँ अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो उतना तो तैयारी होगा ही होगा। और लगभग लगभग जो है हम लोग सभी सब्जेक्ट के आधा आधा कर चुके हैं, ठीक है, आधा आधा कर चुके हैं। अब जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक तो ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा 22 से 23 के लिए, तो आपको कंटिन्यू ये पढ़ते रहना है। फिर हम लोग कुछ दिन और आगे चला जाएंगे, बाकी के कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, तो प्रीवियस ईयर जो मैं पढ़ा रखा हूँ 21 से 22 का उसको जो है जाकर देखिए। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं आपको माइंड में याद है कि हाँ हमने है ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको आता ध्यान में आ गया कि मैं ये नहीं पढ़ा हूँ, ये सब अभी नहीं पढ़ाई हुआ है, तो चैनल पर सब मौजूद है, चैनल पर सब मौजूद है, आप जाइए और प्रीवियस ईयर को पढ़िए। 21 से 22 वाला में जितना भी मैं पढ़ाया हूँ वो सबको पढ़ जाइए। आप फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर, ऐसा नहीं है कि चैनल पर उपलब्ध ही नहीं है। हर एक साल का बैच जो है चलता है, तो अभी बैच चल रहा है 22 से 23 के लिए चल रहा है। तो चूंकि आपका 22 से 23 का एग्ज़ाम जल्दी है, चूंकि यूपी में जल्दी होता है, और अदर स्टेट में बहुत सारे स्टेटों में अभी एग्ज़ाम 2024 में होंगे फरवरी मार्च अप्रैल तक, तब तक तो मैं सिलेबस को रिवीजन भी कर दूंगा ख़त्म करके। बाकी ये नवंबर में संभव नहीं है कि कंप्लीट सिलेबस समाप्त हो जाए, इसलिए मैं आपको बता दिया। और जितना मैं पढ़ा दिया रहूँगा इसको तो आप कंप्लीट कर ही रहे होंगे अगर शुरू से पढ़ रहे हैं तो, और कुछ बच जाएगा तो आपको जो है प्रीवियस ईयर सर्च करना है यूट्यूब पर। जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है क्वेश्चन के नाम लिख दीजिए, जैसे एड्स पढ़ना है
एड्स सर्च कीजिए, नर्सिंग ज्ञान आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपको पढ़ना है एडिसन रोग के बारे में कि एडिसन रोग क्या होते हैं, सर्च कीजिए एडिसन डिजीज नर्सिंग ज्ञान। मतलब जो भी टॉपिक पढ़ना हो, बायोमेडिकल पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना हो जो आपके सिलेबस में है, उसको आप सर्च करिए नर्सिंग ज्ञान के नाम से और आपके सामने आ जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी जो अभी कंटिन्यू करा रहे हैं वो कराते ही रहेंगे, तो आप इसको भी लेकर चलिए, वहाँ तक जितना हो सके रिविजन भी होते रहेगा आपको और क्वेश्चन पढ़ाई भी हो जाएगा एग्ज़ाम के नज़दीक तक, ठीक है यूपी वाले। बाकी कुछ क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं हो पाता है कंप्लीट, तो आप मेरे चैनल के प्रीवियस ईयर देखिए वीडियो, वहां से आपको सारा का सारा जो है चीज़ें आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के लिए मैंने जो है क्वेश्चन बैंक 7 सालों का डाल चुका हूँ nursingyan.com पर, तो वहाँ से भी जो है पढ़ सकते हैं। तो बहुत लोग यूपी वाले हमें ये कह रहे थे कि क्या सर सिलेबस समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए सिलेबस इतना हलवा नहीं है कि आप जो है यूनिट वाइज पढ़ेंगे और समाप्त हो जाएगा 5 से 6 महीना में। जो चीज़ साल भर में पढ़ना है वह 5 से 6 महीना में, वह भी ऑनलाइन में कैसे संभव है, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी छोड़ के दूसरे कोई भी स्टेट हैं, जैसे राजस्थान, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, कोई भी स्टेट है, पंजाब है, इन सभी, हरियाणा है, इन सभी स्टेटों का तो मैं रिवीजन भी करा दूंगा एग्ज़ाम आते आते, सिलेबस समाप्त करके रिवीजन भी करवा दूंगा। लेकिन यूपी में थोड़ा सा जल्दी एग्ज़ाम होता है, इसके लिए सॉरी। बाकी अगले बेर से कम्प्लीट जो है सिलेबस आपका समाप्त हो जाएगा, अगले बेर से आपके एग्ज़ाम तक मैं कम्प्लीट जो है सिलेबस समाप्त कर दूंगा, क्योंकि उसी हिसाब से मैं अब सिलेबस शुरू करूंगा। जो इस बार जून में किए थे वह अगले बार से हो सकता है मई में ही हम जो है शुरू कर देंगे, ठीक है, जिससे आप यूपी वाले का भी कंप्लीट सिलेबस समाप्त मिलेगा और अदर स्टेट को भी कंप्लीट समाप्त मिलेगा और अदर स्टेट वाले के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन हम करवा देंगे, एकदम जवान पर याद करा देंगे, ठीक है। तो बाकी यह है, थोड़ा सा डिसपॉइंटेड बातें हैं यूपी के लिए, क्योंकि इस बार जो मैंने सिलेबस स्टार्ट किया था थोड़ा देरी से स्टार्ट किया था, क्योंकि अदर स्टेट को ध्यान में रख के हमने स्टार्ट किया था। बाकी अगले बेर से मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी ईयर होगा, यूपी हो या कोई भी स्टेट हो, सबका एकदम सिलेबस समाप्त मिलेगा एग्ज़ाम से पहले, चाहे यूपी का हो। सबसे पहले यूपी का ही एग्ज़ाम होता है, दूसरा स्टेट किसी का नहीं होता है, सबसे पहले यूपी का ही होता है। तो यूपी के अगर हम लोग यूपी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर तैयारी करते हैं सब लोग चलेंगे, तो अदर स्टेट वाले को तो मैं दो दो चार चार बार रिविज़न भी करवा दूँगा, ठीक है। बाकी इस बार के लिए सॉरी कि थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी कितना पढ़ाना है, नहीं हो पाएगा, इसलिए जितना हो पाएगा आप पढ़ते चलिए और बाकी जो क्वेश्चन आपको लगे वह प्रीवियस ईयर से जाकर देखिए। प्रीवियस ईयर में कंप्लीट जितना भी पढ़ना चाहिए क्वेश्चन मैं पढ़ा दिया था 21 से 22 में, उसको देख सकते हैं, 21 से 22 वाले वीडियो को, 21 से 22 वाले स्टडी मटेरियल को जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपके अंदर मन में क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए यूपी वाले स्टूडेंट, मैं उनको समझा दूंगा और पीडीएफ के लिए भी मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।